द न्यू ब्लॉग ऑफ हिमाचल और मैं आ चुकी हूँ शिमला में। कल तक मैं सांगला में थी, होली सेलिब्रेट करने गई हुई थी मैं सांगला, और मैं रुकी थी बतसेरी में। सांगला का मैंने रूट आपको बताया था, रिकॉन्ग पियो जाएँ और उसके बाद वहाँ से सांगला जा सकते हैं। दूसरा रूट था रामपुर जाके जा सकते हैं, तीसरा शिमला से जा सकते हैं, और चौथा आज मुझे एक और रूट पता चला है, टापरी है एक जगह, सीधे जाते हैं तो रिकॉन्ग पियो पड़ता है और राइट साइड जाते हैं तो सांगला, तो बीच में टापरी पे उतर के वहाँ से सांगला या बतसेरी जा सकते हैं। तो ये था सांगला का रूट, और आज मैं आ गई हूँ शिमला क्योंकि कल मेरी वापसी है। शिमला में मैं रुकी हूँ ट्रीबो की प्रॉपर्टी में, ट्रीबो ट्रेंड महाराजा 500 नाम है होटल का, और ट्रीबो की प्रॉपर्टी मेरी फेवरेट है क्योंकि मुझे यहाँ की सर्विसेज अच्छी लगती हैं। जैसे अभी ये जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट का कवर मुझे थोड़ा साफ़ नहीं लग रहा था तो मैंने बोला इन्होंने चेंज कर दिया तुरंत ही बिना इफ बट किए, तो मुझे ट्रीबो की सर्विस पसंद है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अगर ट्रीबो की मिले, और इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होते हैं, प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, और डेंटल किट भी मिली है। मैं वहीं पर अपना ब्रश भूल आई थी तो यहाँ मैंने पूछा उस लड़के से कि कहाँ मिलेगा आसपास ब्रश, तो उसने बताया कि यहीं से ही मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ की मुझे सर्विस पसंद है, और ब्रेकफास्ट हमेशा इंक्लूडेड ही रहता है ट्रीबो की प्रॉपर्टी में, मैंने बुक किया है मेक माई ट्रिप से। और कमाल की बात यह है कि अगर आप ट्रीबो की ऐप से सेम प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव थी इन कंपेयर ऑफ मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप पे ये विद टैक्सेस पड़ी है 904 की, और ट्रीबो में 1100 समथिंग प्लस टैक्सेस। तो आप भी ऐसे कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में मैंने पूछा है कि कल क्या मिलेगा, तो बताया गया है कि पोहा और ऑमलेट, ब्रेड बटर जैम और एक आध चीज़ें बताई थी, और चाय कॉफ़ी। तो सफिशिएंट है, 904 में विद ब्रेकफास्ट है तो इट्स गुड। तो फिलहाल अब मैं जा रही हूँ शिमला घूमने, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया था, बस अभी आई हूँ, बैग रखा, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, अब निकल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 7 बज रहा है। और चलिए फिर बाहर चलकर बताती हूँ बाकी चीज़ें। माल रोड के बिल्कुल नज़दीक में ही है ये प्रॉपर्टी, और चूँकि 7 बज चुका है और 10 बजे तक ही मार्केट खुली रहेगी, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत तो घूम लूँ, कल सुबह वापसी है मेरी। इसके पहले मैं शिमला आई हूँ 2016 में, और शिमला वैसे का वैसा ही है, कुछ भी यहाँ पर बदला हुआ नहीं लग रहा है, बट हाँ एक चीज़ जो है, यहाँ लाइट एंड साउंड शो है, वही अभी देखने जा रही हूँ, याद नहीं है वो उस वक्त था नहीं या हम लोगों ने देखा नहीं। तो उसकी टाइमिंग है 7 से 7:30 और 7:30 से 8, तो देखती हूँ 7 बजे वाला मिलता है शो या 7:30 बजे वाला। और डिनर की टाइमिंग भी यहाँ पर 10 बजे तक ही है, डिनर हो सकता है बाहर ही कर लूँ, तो 10 बजे के अंदर मुझे वापस भी आना है। और मेरे होटल से मेन माल रोड जाते वक्त ये शिमला कालीबाड़ी मंदिर पड़ता है, यहाँ का मेन मंदिर है। पता नहीं रिकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं, तो इसलिए मैं अंदर भी ना जाके सीधे मार्केट की साइड जा रही हूँ। अच्छी
काफी लेट है। मेरा जो होटल है वो माल रोड से सीधे आते हुए काफ़ी ढलान पे जाके है, तो होटल जाते वक्त तो बहुत सही रहा, आराम से ढलान पे चली गई, बट माल रोड जाते वक्त सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई वाला रास्ता रहेगा। बट मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मुझे जाना है कल, मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मुझे कल जाना है स्टेशन, तो स्टेशन उसी के और नीचे ही है, तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी कल सुबह के लिए। तो कल सुबह मैं जा रही हूँ शिमला से कालका, जो ट्रेन चलती है उससे जाऊँगी सोलन तक। कहा जाता है इंडिया में जो ट्रेन जर्नी है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट है ये शिमला कालका वाली जर्नी। तो मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग बाद में कर लेंगे, पहले लाइट एंड साउंड शो देख लेते हैं। मुझे लगता है 7:30 तक भी शायद ना पहुंच पाऊँ, देखते हैं, हो सकता है 7:30 वाला शो मिल जाए। और मुझे अभी यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई करना है, गोलगप्पे भी यहाँ के ट्राई करने हैं। ये भैया कितने बजे तक आप खुला रखेंगे? 8:30 तक रहेगा? थैंक यू। तो वापस आके अब जलपान, ये भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हेलो, सेवन हो रहा है और मैं यहाँ पहुँच तो गई हूँ। अंदर आवाज़ भी आ रही है शो की, बट पता नहीं कहाँ टिकट मिलेगी। टिकट कहाँ मिलेगी? अभी 2 मिनट बाकी है, 7:30 वाली मिल जाएगी? 7:30 2 मिनट बाकी है अभी। नहीं नहीं, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेट हुआ शुरू फर्स्ट। अच्छा, ये फर्स्ट वाला भी चल रहा है ना? इंग्लिश वाला, फर्स्ट वाला चल, इंग्लिश वाला की हिंदी वाला है, तो फर्स्ट कस्टमर है आप। अच्छा, अब जैसा भी आप, तो ये अभी अगर स्टार्ट हुआ तो यही वाला दे दीजिए। अभी नहीं है, तो खत्म होने वाला है, बस एक मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हमें देखना था, लेकिन देखना था तो देखो आप, अगला शो और है। अच्छा, 8 के बाद भी है? नहीं, 8 बजे तक का। हाँ, 7:30 से 8 वाला ना, थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा बस। हाँ, वही 7:30 वाला ही चाहिए, मुझे लग रहा था छूट गया 7:30 वाला भी। वो अभी आपको टिकट दे देते हैं इंग्लिश और हिंदी का, फिर सोचेंगे तब जो फॉरनर आ गया, कोई इंग्लिश का आ गया, नहीं तो हिंदी में चला देंगे उसको। ठीक है ओके। इंग्लिश कोई इशू नहीं, अगर इंग्लिश बस 100 दे दो। ठीक, उसके 100 रुपीज़ चार्जेस हैं। अभी फर्स्ट कस्टमर हो आप। अच्छा, तो अकेले देखेंगे? अकेले क्या हो गया अभी? कोई नहीं, मैं आ जाऊंगा पार, अगर कोई नहीं आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगी अकेले। कैसे हो? अभी मैं सांगला से आ रही हूँ। वैसे बेसिकल कहाँ से हो? लखनऊ। कोई नहीं, आ जाएंगे और भी आएंगे। कोई नहीं, आ जाएंगे, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस साइड जाना है? अभी तो वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, बाहर घूमना है आपने तो घूम लो। और ये म्यूजियम? म्यूजियम तो 10 to 5। अच्छा, ये कब से चल रहा है लाइट साउंड शो यहाँ पे? 7-8 महीने लगभग। अभी 7-8 महीने हुए हैं स्टार्ट हुए ना, ये बिल्डिंग भी म्यूजियम भी। हाँ वही, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, ये खंडर था, इसका रेनोवेट हुआ है। अच्छा, उसी बिल्डिंग में, इस वाली बिल्डिंग में होगा ना। यहीं पे अभी वेट कर लेते हैं। गोलगप्पे खा के आ सकती थी, बट अभी थोड़ा सा दूर है, जाऊंगी तो ये शो छूट जाएगा। थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है और सिर्फ अभी तक मैं ही हूँ कस्टमर यहाँ पे। आपने वेट करना है, अंदर बैठ सकते हैं। अंदर बैठ जाए, ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है।
ऊपर म्यूजियम है, वो भी बंद है शायद, 5 बजे तक रहते हैं। तो चलिए चलते हैं देखने लाइट एंड साउंड शो। नमस्कार, अगले आधे घंटे तक आप लोग मेरे साथ रहने वाले हैं। मेरी आवाज और सीढ़ियों में नयापन दिख सकता है, लेकिन सच्चाई है कि मैं यहाँ इस पहाड़ी पर 19वीं शताब्दी से खड़ा हूँ। मेरी जिंदगी केवल मुझ तक ही सिमटी नहीं है, बल्कि ये शिमला की भी जिंदगी और दास्तां है। मेरा नाम बेंटनी है, ये ऐतिहासिक महल मैं ही हूँ। एक ऐसा भी समय था जब मैं यहाँ नहीं था। यहाँ कोई शहर नहीं था, ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, बस एक पहाड़ी और घना जंगल। लेकिन उस पहाड़ी और जंगल में जीवन था, जीवंतता थी, भरपूर जिंदा दिली थी। ये पशु पक्षियों से गुलजार था। 18वीं शताब्दी के अंत में शिमला के पूर्व में नेपाल एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में नेपाल के गोरखों ने आज के हिमाचल प्रदेश के हिस्से पर कब्जा कर लिया। इन पहाड़ियों में तो मैंने पूरा शो देख लिया है, पूरा रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में थोड़ा सा ही डाला है और कंप्लीट शो का एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसमें ये जो बिल्डिंग बनी है, ये अभी नई बनी हुई है, 8-9 महीने हुए इस शो को स्टार्ट हुए जब इस बिल्डिंग का रिनोवेशन हुआ है। पहले ये खंडहर हो चुकी थी और शिमला की हिस्ट्री आज़ादी से पहले से लेके काफ़ी कुछ बताया गया है। तो प्लीज़ उस वाले वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। और अभी फिर चलते हैं थोड़ा घूमने फिरने, 8:15 बज रहा है, थोड़ा टाइम है अभी मेरे पास। और शो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, ज़रूर देखिएगा। और ज़्यादा लोगों को भी पता नहीं है, पहले तो मैं अकेले ही थी, फिर 2 फैमिलीज और आई, बट शायद ये थोड़ा अंदर की ओर है इसलिए लोगों को अभी पता नहीं है इतना। 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है और म्यूज़ियम की 50 रुपीज़ है। तो शो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा तो आते जाएंगे। अभी वहाँ मार्केट ओपन होगी, मार्केट खुली होगी अभी। सो माँ का कॉल आया, उसके बाद करती हूँ बात। जो भी जगह घूमने जाती हूँ रिपीट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार रिपीट करने की जगह कोई और नई जगह चली जाऊँ। बट इस बार जब उज़्बेकिस्तान गई थी ना, शायद यहाँ आवाज़, फिर मुझे उज़्बेकिस्तान में एक लोग मिले, उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि आप जो है प्लेसेस रिपीट करो, उसका अलग ही प्लेजर होगा। तो वो चीज़ मुझे आज समझ में आ रही है कि दोबारा उसी जगह पर आकर, आज ना एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का है शिमला में दोबारा आकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जबकि ऐसा कुछ बदलाव नहीं है, सब कुछ सेम है, सिर्फ वही लाइट एंड साउंड शो एक है। तो मेरे गोप्रो की बैटरी अभी चली गई है, तो अब मोबाइल से ही करना पड़ेगा रिकॉर्ड। तो मैं ये बता रही थी कि आई तो मैं थोड़ी देर के लिए ही हूँ, आज शाम को आई हूँ और कल सुबह निकल जाना है। तो उसी में मैंने सोचा कि जितना घूम लूँ, थोड़ा मार्केट वार्केट घूम लूँ और शो भी देख लिया, और जो शिमला टू कालका ट्रेन है तो उसका भी कल सफ़र तय कर लूँगी। चलती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ और फिर कल रवाना होना है सोलन के लिए। Thank you.
शिमला स्टेशन के वेटिंग रूम में, और यहाँ की एक ये जानकारी देनी थी कि स्टेशन तो काफ़ी ढलान पर है, तो कालका से शिमला के रूट पे अगर आप आएंगे तो स्टेशन से उतरने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक ही जाना पड़ेगा। तो मेरा रूट सही रहा, शिमला से कालका की तरफ जाने पर नीचे नीचे ही आना था, और मुझे वहाँ से अपने होटल से 15-20 मिनट लगे हैं आने में। काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ इस रूट पे ट्रेन का। चलिए 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। अच्छा सा लग रहा है।